लोकसभा चुनाव के लिए जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और चुनाव में जुट गई हैं, वहीं दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 29 प्रदेश संयोजकों की बैठक हो रही है। कांग्रेस ने पूर्व और वर्तमान विधायकों को लोकसभा क्षेत्रों का संयोजक बनाया है। प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति ने इन्हें 31 जनवरी तक आवंटित लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम चर्चा के लिए देने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है और चुनाव में जुट गई है, वहीं कांग्रेस मुख्यालय में आज लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नियुक्त किए गए कांग्रेस के 29 कन्वेनर की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कांग्रेस ने पूर्व और वर्तमान विधायकों को लोकसभा क्षेत्रों का कन्वेनर बनाया है। प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति ने इन्हें 31 जनवरी तक आवंटित लोकसभा क्षेत्रों की बैठक करके संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा कर देने के लिए कहा है। इसके लिए पूर्व और वर्तमान सांसद विधायक जिला पदाधिकारियों की बैठक और समिति बनाई गई, जिसमें सुबह 10:30 बजे से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा, जहाँ 12 बजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहीं दोपहर 3 बजे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन सभी राज्यों की बैठक होगी। दिल्ली से आरती राय, कैमरा पर्सन दीपक के साथ A1 टीम।